Hello and welcome back, everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम बैठे हुए हैं क्लास 10 के दो कैंडिडेट्स के साथ और हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज. इस फ्री ऑनलाइन क्लासेस सीरीज में हम लोगों ने किया हुआ है, हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. 23 नंबर चैप्टर जो आपके क्लास 10 का 23 है, उस पर हमारी वीडियोस चलने वाली है वन बाय वन. और इन वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर नंबर 23 के बेसिक प्रॉपर्टीज को, बट इन इंग्लिश. वी ऑलरेडी हैव सॉर्ट ऑफ वीडियो ऑन दिस, बट दैट वीडियो वाज डेडिकेटेड टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. सो बेसिकली वी आर रीशूटिंग अ वीडियो टू प्रोवाइड यू ऑल द कंटेंट्स इन इंग्लिश. लेट अस जस्ट स्टार्ट अवर क्लास. हमारे साथ बैठे हुए आदर्श और आकाश, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. WBSC वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. वी आर हैविंग अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10, गणित प्रकाश. फ्रॉम दैट चैप्टर नंबर 23 वी आर गोइंग टू डू. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्ट्स, 23.1, 23.2 एंड 23.3. इन ऑल द थ्री पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच? द नेम ऑफ द ब्रांच इज ट्रिग्नोमेट्री. बेसिकली दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ट्रिगो एंड मेट्री. Actually, trigo stands for triangle and metry stands for measurement. So, trigonometry is actually nothing but measurement of triangles. आपको थोड़ा confusion ऐसे आ सकता है मन में कि triangle को measure करने के लिए हम लोगों ने इससे पहले भी chapter discuss किए हुए हैं जो कि geometry के chapters थे. तो फिर mathematics का ये अलग branch क्यों जहां पर हम लोग एक नया चीज पढ़ना चाहते हैं? ओके, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि आकाश कुछ कहना चाहते हैं. नो, आई थिंक आदर्श कुछ कहना चाहते हैं. जी आदर्श, कहिए. सर, मैं कह रहा था आज बेसिक्स पढ़ना है ना सर. सॉरी सर, आज बेसिक्स से स्टार्ट होगा. हाँ, यस, आज की क्लास में हम लोग मेनली सारी चीजें 23 रिलेटेड है वो सारी चीजें पढ़ेंगे. इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें जो हमारे पास जरूरत है हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को डेवलप करके 23.3 तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन चीजों को समझेंगे. आवर एम इज नॉट टू फिनिश द होल एक्सरसाइज, आवर एम इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरीज. ओके, मैं चाहूंगा कि आप म्यूट कर लें अगर आपको और कुछ नहीं कहना है. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति यानी जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है इसमें ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जाता है. तो क्यों हम लोगों ने एक मैथमेटिक्स के एक न्यू ब्रांच की तरफ कदम रखा जहां पर हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं? तो देखिए, मैं आपके सामने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा. आपको कितना पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के क्लास के लिए. सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूंगा. ओके, सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग क्लियरली, सो आई नीड सम टाइम. मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, आप देख पा रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने यहाँ स्क्रीन पर ड्रॉ किया. इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है. पाइथागोरस का फॉर्मूला बहुत ही ईजी और सिंपल सा फॉर्मूला है. हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर को मिलाकर हम लोग फॉर्मूला कहते हैं. और कुछ फॉर्मूला इस तरह से होता है, हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर को मिलाकर टोटल हम फॉर्मूला इस तरह से बुलाते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर लिख देता हूं स्क्रीन पर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये चीज आपको पता है, आप सब लोगों को पता है. नाउ द क्वेश्चन इज, हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर जब हम इस चैप्टर से पहले तक ट्रिग्नोमेट्री से पहले तक डिस्कस कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूस हम लोग हमेशा से जानते थे कि इस वाले साइड को हाइपोटेन्यूस कहते थे, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में हम ऑलवेज इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर कह रहे हैं. इन दिस चैप्टर द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. हाइपोटेन्यूस इज गोइंग टू बी द सेम वन, बट द डेफिनेशन ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी चेंज्ड एंड वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू सेट ऑफ डेफिनेशन व्हिच इज गोइंग टू डिफाइन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस. फर्स्ट ऑफ ऑल let me give you the definition of hypotenuse. So before I start again, others ka koi question hai? Ji others, sir
सर मैं कह रहा था कि आपने जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है सर, बी स्क्वायर पहले रहता है फिर बाद में परपेंडिकुलर स्क्वायर रहता है ना सर वीडियो में? ओके नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब हम पाइथागोरस का डिस्कशन करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को पता होगा. इफ आई एम गोना गिव यू 2 प्लस 3 एंड इफ आई एम गोइंग टू गिव यू 3 प्लस 2 इन बोथ द केसेस द रिजल्ट इज गोइंग टू बी 5 राइट. तो हम जानते हैं कि यस सर तीन को जोड़े या तीन के साथ दो को जोड़े द रिजल्ट ऑलवेज रिमेन्स 5 और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो अगर एडिशन कम्यूटेटिव होता है दो नंबर जो ले रहे हो इसमें आप बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रिजल्ट सेम रहेगा. आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है. ओके तो हम आगे बढ़ते हैं. हम आज की क्लास में मेनली जानने वाले हैं पाइथागोरस के फॉर्मूला में बेस और परपेंडिकुलर का जो डेफिनेशन है हाइपोटेन्यूज क्या है. तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि एक ट्राइंगल में ये जो थर्ड साइड है जो सबसे बड़ा साइड होता है वही हमारा हाइपोटेन्यूज होता है. लेकिन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज. इट इज एक्चुअली वेयर एवर यू विल फाइंड द राइट एंगल मींस द 90 डिग्री एंगल इन फ्रंट ऑफ इट द साइड व्हिच इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज द हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज द साइड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. ओके हाइपोटेन्यूज इज द साइड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. तो हाइपोटेन्यूज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो 90 डिग्री के सामने में है वो फ्रंट वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. नाउ द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी यस बेस एंड परपेंडिकुलर. अब मैं इन दोनों चीजों को डिफाइन करूंगा. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमारे जो सिचुएशंस थे हम किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर बुलाते थे. लेकिन जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्म साइन थीटा. अगर नहीं देखा है तो आप आगे जाके देखेंगे. यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक थीटा की बात की जाती है. ये थीटा होता है दरअसल एक एंगल. क्लियर है? और ये एंगल कहाँ आता है? तो ये एंगल आपके इस ट्रायंगल में 90 डिग्री को छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल है उनमें से कोई भी पॉसिबल है. मैं सबसे पहले रेड इंक के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा और मैं बोलना चाहता हूं कि मैं थीटा इसे कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है, मैंने इस एंगल को फिक्स किया कि ये हमारा थीटा है. इफ आई हैव फिक्स दिस एज अ माय एक्यूट एंगल. सो ये थीटा जो होता है ना ये हमारा एंगल जो होता है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है. ठीक है, अब मैंने एक्यूट एंगल कहां पर फिक्स कर दिया है? इस पॉइंट पे. मैं इस ट्राइंगल को नाम देता हूं ए बी सी. अब ये जो ट्राइंगल का ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया ना एबीसी ये हमारे लिए सबसे बड़ा रेफरेंस बनने वाला है. हर चीज में मैं यही ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करूंगा और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. हाइपोटेन्यूज का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया है द साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. नाउ परपेंडिकुलर एंड बेस. फॉर बेस रिमेंबर वेयर एवर इज योर एक्यूट एंगल इन फ्रंट ऑफ दिस द साइड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एक्यूट एंगल इज ऑलवेज योर परपेंडिकुलर. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? व्हिच साइड इज योर परपेंडिकुलर? इन फ्रंट ऑफ एक्यूट एंगल. अगर आप एक्यूट एंगल यहां लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है और अगर आप एक्यूट एंगल यहां पर ले लेते तो आपका एक परपेंडिकुलर ये हो जाता है. इस बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. तो मैंने आपको अभी डिफाइन कर दिया था हाइपोटेन्यूज. मैंने बोला इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. तो हाइपोटेन्यूज किसे मैंने बोला? इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. और परपेंडिकुलर में मैंने क्या बोला? ये होगा इन फ्रंट ऑफ एक्यूट एंगल. जहां पर भी आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है मैंने एक्यूट एंगल यहां टर्म क्यों लिखा? क्योंकि एक्यूट एंगल इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया है. अभी दूसरे किसी क्वेश्चन में इस एक्यूट एंगल को थीटा की जगह अल्फा भी कंसीडर कर सकते हैं तब ये टर्म जो होगी वो साइन अल्फा हो जाएगी. तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस के इन तीनों डेफिनेशंस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री थिंग्स. फर्स्ट परपेंडिकुलर डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज और डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर. आई होप आई एम क्लियर. सो द रिमेनिंग साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर बेस. इवन आप ऐसा कह सकते हो कि जो हाइपोटेन्यूज के साथ कनेक्टेड है उसका ऑल्टरनेटिव जो साइड है वो जो साइड हमें मिलेगा वो हमारा बेस है. वैसे हमें बेस के डेफिनेशन की और जरूरत नहीं पड़ने वाली. दो चीजें हम लोगों को मिल गई है. जो हमारे पास 90 डिग्री के फ्रंट में है वो हाइपोटेन्यूज है और जो एक्यूट एंगल के फ्रंट में है वो परपेंडिकुलर है. तो जो बचा साइड है वो है बेस. ये तीनों डेफिनेशन अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मैं आपको एक नेक्स्ट कलर के इंक से आई विल यूज नाउ. ओके आई एम यूजिंग ब्लैक. मैं बोल देता हूं कि मान लेते हैं कि ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं ये मेरा एक्यूट एंगल है और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा. तो अगर एक्यूट एंगल मेरा इस बार अल्फा है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस और कौन सा होगा आप लोगों को बताना है. हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बेस आपको पता है रिमेनिंग साइड होता है. इस क्वेश्चन के केस में मैं आपको कुछ डेटा और बता देता हूं जिससे आप लोगों को इस क्वेश्चन नए वाले क्वेश्चन के आंसर देने में हेल्प होगा. हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा साइड हुआ? ये वाला साइड. इस वाले साइड का नाम क्या है? इट्स ए सी. सो व्हेनेवर आंसर स्टूडेंट इज गोइंग टू आंसर
ही इज गोइंग टू आंसर, ही और सी इज गोइंग टू आंसर एसी, और वो क्या बोलेगा डेफिनेशन, क्यू एसी होगा, सो सिंस इट इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. सिमिलरली अगर मैं पूछूं परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे ए बी परपेंडिकुलर है. एंड इफ आई विल आस्क यू द रीजन व्हाई ए बी इज योर परपेंडिकुलर, यू विल से सिंस इट इज इन फ्रंट ऑफ एक्यूट एंगल, दैट्स व्हाई इट इज योर परपेंडिकुलर, राइट. और बेस रिमेनिंग बीसी हमारा बेस हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में जब मैंने एक्यूट एंगल को चेंज किया है तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कौन है, आप देख पा रहे हो 90 डिग्री अभी भी यहीं पर है, इसके फ्रंट में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि एसी अभी भी हमारा हाइपोटेन्यूज है. तो हमारा हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी. क्यों एसी है, तो आप डेफिनेशन बोल सकते हो सिंस इट इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर ऑलवेज एक्यूट एंगल के फ्रंट में होता है, तो एक्यूट एंगल आपका इस बार यहां पर प्लेस्ड है, इसके फ्रंट में है बीसी, तो अब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी. ओके, अब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी. तो आपका बेस कौन सा बचा, आपका बेस जो अब बच रहा है इस क्वेश्चन में बच रहा है, वो बच रहा है ए बी. आई होप कि इन तीनों चीजों को समझा देने के बाद, इस फिगर के बाद, आप लोगों के पास एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा मुझे इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. एक्यूट एंगल को अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मैंने इस वाले सेट में मैंने एक्यूट एंगल किसे कंसीडर किया है, तो इस वाले सेट में मैंने एक्यूट एंगल अल्फा को कंसीडर किया है, पिछले वाले केस में मैंने एक्यूट एंगल किसे कंसीडर किया था, इसमें मैंने थीटा को कंसीडर किया था. थीटा एक्यूट एंगल लेके हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर निकालना, अल्फा को एक्यूट एंगल लेके थीटा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना आप लोगों ने सीख लिया. नाउ इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करूं, मुझे इसका रिवीजन करवाना जरूरी है. जो कैंडिडेट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आकाश से क्वेश्चन ले लेता हूं. आकाश, कोई डाउट है आपको? नो सर. इतनी दूर तक सारी चीजें क्लियर हो गई? यस सर. ओके, आदर्श व्हाट अबाउट यू, आर यू फेसिंग एनी इश्यूज? आई थॉट आप, मैंने देखा शायद आप एक बार रूम से निकल चुके थे. सर मेरा नेट यहाँ पर बहुत स्लो चल रहा है ना सर, इसलिए. मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैपनिंग. सो मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर पहचानने में कोई दिक्कत है? नहीं सर. नहीं है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. जैसा कि मैंने बताया, अब ऑलवेज ये फिगर जो बनने वाला है, ये जो मैंने ट्राइंगल आपको कोऑर्डिनेट लोगों को बना के दिया, ये रेफरेंस अब हमेशा यूज होगा और इसी रेफरेंस पे मैं क्वेश्चन करूंगा. मैं एक फ्रेश ब्लैंक पेज पे जहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक ट्राइंगल के रिगार्डिंग. मैं दोबारा एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ. साइड में मैंने ट्राइंगल, एक खूबसूरत सा प्यारा सा ट्राइंगल मुझे बनाना है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन में. पूरी ट्रिग्नोमेट्री से ट्राइंगल के सराउंडिंग में है, इसीलिए इसका होना जरूरी है. ओके, बेसिकली अब मैं इसे नाम दूंगा. जस्ट गिव मी वन मिनट, मैं इसे नाम दे देता हूं. ये मेरा नाम है ए बी सी, ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है. आपको पता है इस ट्राइंगल का अगर मैं हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन करने के लिए बोलूं, आप लोग आसानी से कर लोगे. यस सर. आप लोगों ने इतने देर में कर लिया होगा वो चीज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस, ये आपको आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है, मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है. क्वेश्चन आकाश से, आकाश व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन? सर एसी. ओके, वेरी गुड, एसी. व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? सर एवी. ओके, एंड अदर्स व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर इन दिस केस? सर वेयर इज द सर वेयर इज द थीटा? Yes, that is the question. Akash, you are not able to tell me the answer until unless I define the theta. That is the question, Akash. Yes. If I'm not defining, yes, sir. How can you find perpendicular? Right? Who is telling that the AB is going to be a perpendicular? But I have not given you that theta is over here, na? Until unless I define my theta, where the theta is, you are not able to tell me, you are not able to get your perpendicular and base. Okay? Yes, sir. Let me just define that theta is here. Now, Akash's answer was correct. Actually, well done. I'm pretty surprised that you have given the answer. I was also expecting that you are going to give also the same answer. But, you have given a good answer. Very good, very good. So, since it's going to be now AB, base is going to be remaining BC. Okay? So, hypotenuse, perpendicular, and base, we have pointed out. That is a very important part. We have done a very important and vital part from by finding out the or selecting hypotenuse, perpendicular and base. So what is the next thing? What is the next thing that we need to do? Okay. So chaliye ab hum log us bare mein discuss karte hain ki ab hume karna kya hai. Dekhiye, trigonometry actually sirf ek triangle ke kisi bhi do sides ke ratio par based. Aap logon ne ajeeb tarah ke naam sune honge, sin theta. Naam suna hai? Yes sir. Suna hai naam sin theta ka?
What happened? Atas? Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Atas, are you there? Yes, sir. Okay. तो मेरी क्वेश्चन ये थी आप लोगों से कि क्या आप लोगों ने इसका नाम सुना है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, इन सब का नाम? Yes, sir. No, sir. नहीं सुना है, चलिए कोई बात। देखिए क्लास टेन के वीडियो के लिए, क्लास टेन की कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करूं, तो जो टेन के कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, वो बड़े ही ना इंटरेस्टेड रहते हैं कि कब हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री ओपन होगा और हम मैथमेटिक्स एकदम नए ब्रांच को सीखेंगे। और जिनको मैथ पसंद नहीं है वो चाहते हैं कि कैसे बस इससे पीछा छूटे, मतलब बस ये गुजरे। यस सर। तो ये दो दो तरह के पहलू है, जो पसंद करते हैं, जो नापसंद करते हैं। मैं कहूं आई थिंक क्लास टेन में ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आप लोगों को पढ़ाया जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि थ्रू आउट करियर में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जाओगे आपको वहां ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। और अपने लाइफ में भी अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। इसे समझने के लिए कि हमारे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को क्लियरली आइडिया दूंगा किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री पे किस तरह से बेस्ड है हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास नहीं है इसलिए मैं अभी उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम अजीब सा और नया सा चीज है। एक्चुअली ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को मैं रेशियो निकालूंगा और उससे मैंने नाम दे दिया है साइन थीटा। ये जो आप लोग साइन थीटा देख रहे हैं ना, दरअसल इस साइन थीटा का अपना एक पूरा नाम है, ठीक है। मैं उस पूरे नाम को अलग कलर से लिख देता हूँ, आप सबका अपना अपना पूरा नाम है, ठीक है। साइन थीटा जो है, ये जो टर्म है साइन थीटा जिसे आप लोग जानते हैं वो एक्चुअली SINE है, साइन, ठीक है। और यहाँ पर ये जितने भी थीटाज मैंने पुट किए हैं ये सारे थीटा एक्यूट एंगल्स है, जो एक्यूट एंगल ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो यही एक्यूट एंगल है जिस पर हम लोगों ने सबको डिफाइन किया हुआ है। दरअसल थीटा एक एंगल है, उसके ऊपर में कौन है, साइन है। ये जो हमारा कॉस दिख रहा है इसका पूरा नाम है कोसाइन, कोसाइन। मुझे नहीं लगता किसी भी टेन के कैंडिडेट से कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉस, ओके, कभी नहीं पूछता है। लेकिन बेसिकली एज अ टीचर ना, मुझे लगता है कि जब भी मेरे पास 11 का एक साइंस का कैंडिडेट आता है ना, तो मैं उससे एक बार जरूर ये बात पूछ लूं, टैन तो बहुत जानते हैं, टैन का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत कम ऐसे है ना जो लोग कहते हैं कि सर टैन का फुल फॉर्म होता है टैंजेंट। ये मैं क्यों पूछना पसंद करता हूं, क्योंकि हम धीरे धीरे मैथमेटिक्स को लेकर ना मशीन बनते हुए जा रहे हैं, जहां पर इनपुट पे आउटपुट देना हमारा आदत बन गया है। मतलब हमसे कोई सवाल पूछेगा और हम उस सवाल का जवाब देंगे। मैथमेटिक्स इस मैथमेटिक्स नहीं कहते, ये तो मशीन्स की तरह एक्ट करना हो गया, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे अपने बेसिक तरीके से, जिसमें हम लोगों को सारी चीजें बेसिक तरीके से पता होनी चाहिए। साइन का फुल फॉर्म साइन होता है, SINE होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टैन का टेंजेंट होता है, कोसेक कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट। सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, हैंडराइटिंग में आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। और कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ये देखिए टेंजेंट है, ये है कोटेंजेंट, ठीक है। ये है कोसेकेंट, ये है सेकेंड। तो ये इनके फुल फॉर्म्स है, जान लीजिए, कभी कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में कभी आते नहीं है, फिर भी जान लीजिए। अब उठता है कि ये जो हमारा साइन थीटा डिफाइन कर दिया गया है ये है क्या दरअसल। देखिए एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। उस राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो निकालिए, दो साइड कौन से, ठीक है। तो मैं इसे समझाने के लिए बता देता हूं, दो साइड जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वो दो साइड कौन सा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है, एबी, एबी सर, ओके, AB. ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मैंने आपको करने के लिए कहा, परपेंडिकुलर कौन सा आप लोग बोल रहे हो, एबी है, और हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी है, राइट। तो सिंपल सा इन दोनों साइड का अगर मैं आपको मेजरमेंट बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जो हमारा एबी है, ये जो हमारी हाइट है इस ट्रायंगल की, ये 1 है, और अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है वो 2 है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया, 1/2, ओके। यहां पर आदर्श से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, आप वीडियो में ये शॉर्टकट बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वो वाला से, वो डोंट वरी, हम लोग उस पे आ रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू रीच देयर। बट बिफोर दैट मुझे आप लोगों को बेसिक चीजें बता लेनी है, क्योंकि उसके बाद फिर वो टर्म आ रहा है, उसको डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है सर। So, साइन थीटा जो हमारे पास है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
तो दो साइड ए बी और ए सी का रेशियो निकालिए, जो वैल्यू आएगा ना उसे ही हम साइन कहते हैं। अब कॉस का क्या होता है, ठीक, तो साइन थीटा का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, कॉस थीटा का डेफिनेशन भी मैं बता देता हूं, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये है डेफिनेशन, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है अपने गिवन फिगर में, बेस कौन सा दिख रहा है, तो बेस आपको बीसी दिख रहा है, हाइपोटेन्यूस एसी, यानी कि ये हो जाएगा बीसी डिवाइडेड बाय एसी, क्लियर है। टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है फिगर में, ओके आकाश काफी देर से चुप है, आकाश बोलिए परपेंडिकुलर क्या है सर, ए बी परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है सर बी सी, ऐसे बच्चे अगर बैठे रहेंगे ना क्लास में तो सो जाएंगे, नो सर बी एक्टिव। सो बेसिकली आप लोगों ने यहां पर एक डेफिनेशन का सेट देख लिया है, और अब मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कोसेकेंट, सेक और कॉट को, ठीक है। सो सिंपली मैं इनका डेफिनेशन क्विकली लिख देता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं इस डेफिनेशन को आप याद कैसे रख सकते हो। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होता है, इसका डेफिनेशन आपको पता हो जाएगा सिंपली एसी बाय एबी, सारी चीजें आप लोग इस रेफरेंस इस फिगर के रेफरेंस में देख पा रहे हैं। सेक हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस इज इक्वल्स टू एसी बाय बीसी, और कॉट हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर ये होता है बीसी बाय एबी। आप सारे इस ट्राइंगल के रेफरेंस में ये सारी चीजें डिफाइन कर पा रहे हो। अब आप मन में आ रहा होगा सवाल, सर आपने ये सारी चीजें याद कर रखी हुई है, आपको बड़े अच्छे से याद है, आप पढ़ाते हो इसलिए आपको याद है, हम कैसे याद करें। हाँ सर, बच्चों के लिए ये चीज बतानी बड़ी जरूरी है, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलाज एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं वो बताऊं जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, वो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है इस तरह के फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, कहते हैं एक सूत्र याद कर लो, वो है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। मुझे सिखाने वाले ये मेरे टीचर थे विश्वास सर, वो मेरे फादर के भी टीचर रह चुके हैं, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी सिखाई हुई सीख हमारे साथ है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, उन्होंने मुझे बताया था इस तरीके से आप याद रख सकते हो आप साइन के सारे फॉर्मूलास, ठीक है जी। कुछ कह रहे हैं सर, मैं कह रहा था सर आपने वीडियो में बोला कि मैं एलके एकला मेरे दोस्त का वो फॉर्मूला उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है, हम थे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं रिलेवेंट चीजों को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल इस फॉर्मूला के मदद से एक्चुअली आप लोग इस पूरे चीज को याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, कुछ कलर्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि चीजें आप लोगों को डोमिनेटिंग लगे। मैं दोबारा एक बार ब्लैक कलर में, एक्चुअली ये डीप ग्रीन मुझे पसंद आता है, डीप ग्रीन का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए आप देख पा रहे हो, अगर आपको ये चीज याद है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसमें फर्स्ट लेटर जो आपको दिख रहा है ना ये है पी, और यहाँ दिख रहा है एच, यही आपका साइन का डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन एक्चुअली आपको मिलेगा साइन में, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके। तो आप देखिए साइन का डेफिनेशन ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये आपका साइन का डेफिनेशन है, ठीक है। कॉस का डेफिनेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये आपका कॉस का डेफिनेशन है, और परपेंडिकुलर बाय बेस जो है ये आपका टैन का डेफिनेशन है। अब आपको अगर कोसेक सेक और कॉट के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ठीक उल्टा करने पर, ठीक है। देखिए हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर करने पर आता है, और ये होगा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारी हिंदी वाली वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर रखा हुआ है उन लोगों को काफी अच्छा रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोग यहाँ इंग्लिश में यूज कर रहे हैं और वहां पर हम लोगों ने ज्यादातर चीजें समझा रखी हुई है, इनडेप्थ वहां पर भी डिस्कशन किया गया। तो एक्चुअली साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट का डेफिनेशन याद रखना बड़ा आसान है, और इस चीज के डेफिनेशन के सहारे हम लोग चीज को याद रखें पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल हम लोग कर सकते हैं। आई रियली थैंक विश्वास सर को, क्योंकि 10 में जब हम थे तो विश्वास सर ने हम लोगों को काफी मैथ में मदद की थी, और उनके मदद से ही शायद आज मैं मैथमेटिक्स में कुछ हूँ। मतलब उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो लर्निंग्स है मेरे पास, वो मुझे एज अ मैथमेटिशियन आज कन्वर्ट करने में, या मैथमेटिक्स में अगर मेरा थोड़ा भी कुछ कंट्रोल है ना तो वो बस विश्वास सर के लर्निंग से ही है। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को सिखाया था, जिस तरह से पढ़ना बताया था, वो लर्निंग ही हमारे काम में आती है, आई है अब तक मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं उनका नाम लेना जरूर पसंद करूंगा।
तो जो मैं चीज डिस्कस कर रहा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल के फॉर्मूला को यूज करके आप लोग साइन टैन कोसेक से कॉट को डिफाइन कर सकते हैं और डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर वो बात भी बताता हुआ चलूं एलके एकला वाली। तो दरअसल एलके एकला, मैं हिंदी मीडियम का कैंडिडेट था तो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए ये पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग याद करते उस टाइम पे आप लोगों को घंटों लग जाती है, ठीक, क्योंकि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स है एंड वी डोंट नो अबाउट हाइपोटेन्यूज। तो एंड व्हाट इज अ हाइपरटेन्यूज, एक्चुअली पहले तो ये समझना कि हम लोग इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में से कर्ण कहा जाता है, लंब कर्ण आधार, जी लंब कर्ण आधार। तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपरटेन्यूज कहा जाता है और हाइपरटेन्यूज क्या है वो मुझे उस टाइम पे याद करने में हो सकता था कि सालों लग जाते हैं, तो मैं क्या मैथ बनाता और क्या सीखता। तो हाइपरटेन्यूज को हम लोगों ने, मैं नहीं सका, जब मुझे सर ने ये सिखाया मैं नहीं याद कर पाया, लेकिन लकीली मुझ में कुछ था, कुछ सीख थी सर की, तो मैंने क्या किया ना, मेरे फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का नाम था एलके, मैंने उसके नाम पे ये फॉर्मूला बनाया और ये मेरे साथ बन गया और मैंने भी साथ दिया एलके एकला, और उसके बाद से मैं एलके एकला ही आया हूँ। मेरे हिंदी मीडियम तो मैं यही सिखाता हूँ एलके एकला, ठीक है, मेरे फ्रेंड का नाम था लालटू कुमार, मैं आज भी एलके ही बुलाता हूँ। तो एकला उस नाम पे मैंने ये फॉर्मूला डिफाइन किया, एक्चुअली इसमें एल और के जो है कर्ण है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये जो रेशियो है साइन का रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है वो हिंदी में लंब और कर्ण है, इस तरह से डिफाइन किया। रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं इस बारे में और डिस्कस करके आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, मेन टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे। तो साइन कॉस टैन और कोसेक से कॉट का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ठीक है, इस डेफिनेशन, हाँ सर, यस, वांट टू से समथिंग? नो नो सर। ओके, सो बेसिकली साइन कॉस टैन कोसेक सेट का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। मैं आप लोगों से अब अपने अगले क्लास लूंगा, आप लोगों से मेरी क्वेश्चंस हूँ, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल रखूंगा, उस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इसके लिए आपको प्रिपरेशन का टाइम देता हूँ, आप इस फॉर्मूला को याद करो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल बनाओ, किसी भी तरह से ट्रायंगल बनाओ लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया PQR और उसमें साइन और थीटा को आप कभी यहां पर पुट करो, एक्यूट एंगल एंगल पुट करो और उसे एक्यूट एंगल पुट करने के बाद साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट का डेफिनेशन लिखो। मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं AB बाय AC की बात कर रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन साइड्स जो डेफिनेशन होगा उसमें एक्यूट एंगल आप R पे ले लो, एक्यूट एंगल अगर आपने R पे लिया तो आपके पास फिर से PR हो गया हाइपोटेन्यूज, PQ हो गया आपका बेस, PQ हो गया परपेंडिकुलर, तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल गया तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे आप पहले PQ लिखोगे, ये डेफिनेशन हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाय PR। इस तरह से जो डेफिनेशन का सेट है वो आप लोग प्रैक्टिस करो, अगले क्लास में इन्हीं सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हम मिलेंगे जहां पर हम सबसे पहले इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस करेंगे कि डिफरेंट डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोगों ने ये चीज कंप्लीट कर ली तो मैं आप लोगों को अगले क्लास में इसके अलावा ये सिखाऊंगा कि किस तरह से एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जैसे कि साइन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, बाकी ऑल रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस, ऑल रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जैसे कि कॉस टैन कोसेक से कॉट, ये कैसे निकल, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू साइन एंड यू विल फाइंड आउट रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई विल प्रोवाइड यू कॉट यू विल फाइंड आउट Everything. ये भी हम लोग अपने अगले क्लास में सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लें कि ये डिफरेंट साइड्स जो, इसे आप लोग जरूर अपने पास अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके अगले क्लास में मुझसे मिले। अगले क्लास के लिए टाइम शेड्यूल जैसा आप लोगों को पता है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस के दौरान सारा कुछ हम लोग मेल पे प्रोवाइड कर पाएंगे, काइंडली मेल पे हमसे कनेक्टेड रहे, मेल चेक करते रहे, सारी चीजें वहां मिल जाएगी, प्लस हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते रहे। अगर अब तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करें तो काइंडली इंस्टाग्राम पे चले आइए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट्स डालने के प्लान करके रखा हूँ। हर चीज के लिए YouTube पे वीडियो प्रोवाइड कर पाना इट्स वेरी टफ, इट्स रियली वेरी टफ फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट मच टाइम सो दैट आई कैन मेक वीडियोस, ठीक है, उससे अच्छा मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ उस दौरान, तो मैं उन प्रोडक्टिव काम को करना चाहूंगा। और जो भी शॉर्ट न्यूज है, जो अनाउंसमेंट्स है, उनके लिए हमसे इंस्टा पे जुड़िए, जहाँ पर इंस्टा पे हम आपको सारे अपडेट्स देते हैं। आज का हमारा यही रहेगा क्लास, आई होप कि आपको सारे कॉन्टेंट समझ में आ गए होंगे।